सदर फेस्टिवल, जिसे दोना पोथला पंडागा के नाम से भी जाना जाता है, जो यादव बिरादरी के जरिए मनाया जाता है, एक शानदार अंदाज में शुरू हुआ, जिसमें हजारों अफराद अपने आरायशी बैलों के साथ मेले में शरीक हुए। ये त्यौहार हर साल दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो भगवान राम की शैतानी राक्षस रावण पर फतेह और 14 साल के जलावतनी के बाद अयोध्या में वापसी की अलामत है। नारायणगुड़ा, खैरताबाद, शेखपेट, सैदाबाद, अमीरपेट, अंबर पेट, गोइनपल्ली, हयात नगर, नागोल, कारवान और बेगम बाजार में तकरीबात का आगाज हुआ। मुंतजमीन के मुताबिक मुल्क भर से भैंसों ने इज्तिमा में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ताहम ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के बैलों ने अपने बड़े जिस्मों के साथ राज किया। सदर शो में ये भैंस अपनी पिछली टांगों पर तवाजुन कायम करने, खड़े होने वगैरह की महारत से हुजूम का तफरीह करेंगे। और खैरताबाद के माधव यादव, जिन्होंने 2 साल कबल हरियाणा से राणा नामी भैंस खरीदी थी, उन्होंने बताया कि राणा राजू के यहाँ पैदा हुआ और जो कभी कौमी चैंपियन था, हम इसका खास ख्याल रखते हैं। इसे रोजाना सुबह व शाम 20 लीटर दूध पिलाते हैं, 3 किलो खुश्क मेवा जात और 50-100 सेब खिलाते हैं और बाकायदगी से 4 किलोमीटर की चहल कदमी कराते हैं। अखिल भारत वर्ष यादव महासभा के रियासती जनरल सेक्रेटरी हरिबाबू यादव ने कहा, कोविड पाबंदियों की वजह से ये त्यौहार पिछले 2 सालों में शानदार तरीके से नहीं मनाया जा सका। इस साल हम तकरीबात को शानदार तरीके से मना रहे हैं। सदर 1942 से हर साल मनाया जाता है। कटला श्रीनिवास यादव, एक और मुंतजिम ने मजीद कहा कि हम रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे रियासती त्यौहार के तौर पर ऐलान किया जाए।